है, लेकिन बीजेपी और बीजेडी में एक टफ कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। अब बात करेंगे, देश में चुनावों का मौसम चल रहा है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है और प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरण में चुनाव होने हैं और चुनावों में भोजपुरी सितारे भी फिर से ताल ठोक रहे हैं, चुनावों में जीत के लिए प्रचार शुरू कर चुके हैं। भोजपुरी सितारे न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा में बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम कमा चुके हैं और राजनीति में भी अपनी धाक जमाई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया और फिर राजनीति की राह पकड़कर भी आगे चलते चले गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में भोजपुरी सितारों ने जीत दर्ज की और 2024 के चुनाव में भी भोजपुरी सितारे प्रचार में जी जान झोंक रहे हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्मों के जरिए बिहार में नाम कमाने वाले ये सितारे राजनीतिक मंजिल बिहार में नहीं तलाश पा रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार के आरा से बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट उन्हें मिला पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। और आपको बता दें कि पवन सिंह बिहार से बाहर जाने को राजी नहीं हुए और टिकट लौटा दिया। और 2024 के चुनावों में ऐसा कोई भोजपुरी फिल्म अभिनेता नहीं है जो बिहार से चुनाव लड़ रहा हो। इसकी क्या बड़ी वजह नजर आती है ये भी जरूरी है, लेकिन किस तरह से प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो गया है। भले ही भोजपुरी सितारों में किसी पार्टी को बिहार में जिताऊ चेहरा ना दिख रहा हो, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भोजपुरी स्टार्स को टिकट मिले हैं और चुनावों में जीतने की कोशिश भी जारी है। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्म अभिनेता गोरखपुर से दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से फिर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। आसनसोल सीट पर बीजेपी चाहती थी कि पवन सिंह चुनाव लड़े, ऐसा होता तो मुकाबला जो है वो भोजपुरी स्टार वर्सेस बॉलीवुड वेटरन होता, लेकिन पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब बिहार के चुनाव में भोजपुरी गायक गुंजन कुमार अकेले हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। गुंजन कुमार ने नवादा से निर्दलीय पर्चा भरा है। तो गुंजन कुमार ने नवादा से निर्दलीय पर्चा भरा है, लेकिन वहां अगर आसनसोल से एक तरफ तो पवन सिंह चुनाव लड़ते तो ये कहा जा रहा है कि जो स्थितियां हैं वहां पर वो ओल्ड स्टार वर्सेस न्यू स्टार की नजर आती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने टिकट लौटा दिया। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी सितारे राजनीति में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दल भोजपुरी फिल्म स्टार्स को बिहार या फिर झारखंड की राजनीति में सुपर हिट होते नहीं देखते। मनोज तिवारी 2014 से ही दिल्ली से सांसद हैं और 2024 में वो अकेले चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने दिल्ली में तीसरी बार भरोसा किया है। दिल्ली में बाकी 6 सांसदों का टिकट बीजेपी काट चुकी है। गोरखपुर में बीजेपी को रवि किशन शुक्ला पर भरोसा है और उन्हें दूसरी बार चुनावों में उतारा गया है। वैसे 2014 में रवि किशन जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ 2019 में आजमगढ़ से अखिलेश यादव से चुनाव हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को हराया, इसीलिए बीजेपी ने 2024 में भी उन्हें आजमगढ़ से ही उम्मीदवार बनाया है। बिहार के सितारों की कहानी अजब गजब है। कुछ ऐसे जो बॉलीवुड में बड़ा नाम रहे लेकिन राजनीति में फ्लॉप हो गए, कुछ ऐसे हैं जो बॉलीवुड में फ्लॉप रहे और राजनीति में सुपरहिट हैं, जबकि कुछ दोनों ही जगहों पर सुपरहिट हैं। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके हैं और 2 बार बीजेपी से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, इस बार टीएमसी के टिकट से वो मैदान में हैं। चिराग पासवान ने शुरुआत बॉलीवुड से की थी, एक फिल्म में भी काम किया लेकिन तुरंत ही राजनीति की राह पकड़ ली। 2011 में फिल्म उनकी फ्लॉप हो गई और उसके बाद 2014 में राजनीति में एंट्री की और लगातार 2 बार बिहार के जमुई से सांसद रहे, इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शेखर सुमन लंबे वक्त से बॉलीवुड और छोटे पर्दों पर सक्रिय हैं, उनकी अलग ही फैन फॉलोइंग भी है। 2009 में शेखर सुमन ने राजनीति में एंट्री की कोशिश की थी, लेकिन पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा से वो चुनाव हार गए थे। तो ये वो स्टार्स हैं जो कुछ बॉलीवुड में हिट हैं लेकिन राजनीति में फ्लॉप हैं, लेकिन कुछ दोनों में ही सुपर हिट हैं जो कि राजनीति में भी चल रहे हैं और बॉलीवुड में भी। बिहार की नवादा सीट से गुंजन कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से टिकट मांगा था,
लेकिन किसी ने टिकट नहीं दिया, इसीलिए निर्दलीय प्रचार कर रहे हैं। और रवि किशन का कहना है कि बीजेपी में सामाजिक समीकरण और दूसरे पहलू देखकर टिकट दिया जाता है। जिस उम्मीदवार के जहां से जीतने के चांस ज्यादा होते हैं उसे वहां से चुनाव लड़ाया जाता है। और आरजेडी कह रही है कि वर्तमान में ना सही लेकिन भविष्य के चुनाव में शायद भोजपुरी सितारों को चुनाव मैदान में उतारा जाए।